दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक वीवो वी फाइव है, तो इस फोन में जो है पासवर्ड लॉक मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पेट्रोल लॉक भी मांग सकता है, तो उस लॉक को किस तरह से आप रीसेट करेंगे, तो वो सब अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए, इस तरह का कॉन्टेंट आप पसंद करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले फ़ोन को यहाँ पे पावर ऑफ कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने फ़ोन को पावर ऑफ कर लिया, ठीक है, पावर की मदद से फ़ोन को पावर ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपको इस फ़ोन को रिकवरी मोड में लेके जाना है। तो फाइनली यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो थोड़ी देर यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखने के बाद ये फ़ोन आपका रिकवरी मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वॉल्यूम डाउन का यूज़ करेंगे, वॉल्यूम डाउन का यूज़ करके यहाँ पे रिकवरी मोड का ऑप्शन को चूज़ करेंगे, उसके बाद पावर बटन की मदद से इसको सिलेक्ट कर देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे पावर बटन को प्रेस किया। तो पावर बटन को प्रेस करने के बाद ये फ़ोन आपका जो है फैक्ट्री मोड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कुछ करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबूट सिस्टम नाउ आ रहा है, और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वाइप डाटा, तो यहाँ पे मैं आपको पावर बटन को प्रेस करूँगा, उसके बाद वहाँ पे वाइप डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे पासवर्ड लॉक मांग रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। अगर हार्ड रिसेट हो जाता तो सही है, नहीं होता है तो फ़ोन को आपको पावर ऑफ कर लेना है। ओके, तो पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ कर लेने के बाद मैं आपको पीसी के स्क्रीन पे चल के आपको दिखाता हूँ किस तरह से क्या कुछ करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम हमारे पीसी के स्क्रीन पे आ गए। तो यहाँ पे जो ये मिराकल क्रैक है, तो इस टूल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से इस टूल को आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, डाउनलोड कर लेने के बाद आपको आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं टूल क्रैक टूल है, थोड़ा सा रन होने में टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। ओके, तो देख सकते हैं हमारा टूल रन हो चुका है। तो यहाँ पे जो है अनलॉक फिक्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मीडियाटेक बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, तो यहाँ पे हम 8-bit को सिलेक्ट करेंगे या इनवर्सल में वीवो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लियर सेटिंग एफ आर पी के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट देंगे, तो बैकअप के लिए मांग रहा है तो नो कर देंगे। नो कर देने के बाद सिंपली हम हमारे फ़ोन पे पास चलते हैं। फ़ोन में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पावर जो आपका वॉल्यूम अप की है, तो वॉल्यूम अप की को यहाँ पे प्रेस करके यूएसबी को इंसर्ट करना है। तो फाइनली मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके यहाँ पे यूएसबी को डालता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रेस किया वॉल्यूम अप बटन को, उसके बाद यूएसबी को अंदर डाल दिया। तो अंदर डालने के बाद देख सकते हैं हमारा ये जो है मिराकल के साथ ये बूट कर चुका है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका जो पैटर्न पासवर्ड लॉक जो भी है इसको रिसेट होने में, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। और इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है हाल फिलहाल में। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग मोड यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा वेट करना है आपको, ठीक है। तो हमारा फ़ोन जो यहाँ पे सिंपली इजीली तरह से कनेक्ट हो चुका है। मिराकल का ड्राइवर वगैरह आप मीडियाटेक का ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर लीजिए तो आपका इजीली कनेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा ये डन हो चुका है। तो हाल फिलहाल में हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम यूएसबी को डिस्कनेक्ट करके सिंपली फ़ोन को यहाँ से पावर ऑन करेंगे। तो पावर ऑन होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे लग जाता है, 5 से 10 मिनट तक आपको वेट करना है, वीवो लोगों पे अटैक के रहेगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, वेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे और भी वीडियो बनाने का दिल करता है। तो अभी से वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स।